हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ डाइटिशियन शिखा और आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी और अमेजिंग सी रेसिपी, और वो है स्वीट पोटैटो चाट की रेसिपी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या स्वीट पोटैटो हम वेट लॉस में खा सकते हैं, इसे कब खाना है, कितने अमाउंट में आपको लेना है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगी। वीडियो को पूरा देखिए और चलिए सबसे पहले इसे बनाना शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिया है 3 स्वीट पोटैटो, जिसे हम शकरकंदी भी कहते हैं, 2 मीडियम साइज़ का और 1 स्मॉल साइज़ का। यहाँ पर मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। सबसे पहले इसे हम बॉईल कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बेक भी कर सकते हैं या स्टीम भी कर सकते हैं। 2 विसल्स आने तक इसे मैंने बॉईल किया। अगर इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, डाइट्री फाइबर, आयरन, विटामिन सच एज बीटा कैरोटीन, B2, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। अब मेनली ये क्वेश्चन होता है कि क्या इसे वेट लॉस में ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको आगे मैं बताऊंगी, जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। फाइबर रिच होने की वजह से ये आपको लंबे टाइम तक फुल रखता है, बॉडी को सेटाइटी प्रोवाइड करता है, और अगर आप फुल रहते हो तो आप जंक ईटिंग भी नहीं करते हो। स्वीट पोटैटो बॉईल हो चुका है, इसके स्किन को यानी छिलके को रिमूव कर लेंगे। अभी ये थोड़ा गर्म है तो 2-3 मिनट छोड़ दे या पानी में डाल के छोड़ दे ताकि ये ठंडा हो जाए। मैंने गरम गरम ही रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के बाद इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो 170 किलो कैलोरी होता है, कार्ब्स 25 ग्राम होता है जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है, फाइबर 4 ग्राम होता है, फैट भी 4 ग्राम है, क्योंकि यहाँ पर मैं आगे घी यूज़ करने वाली हूँ तो इसलिए फैट का परसेंटेज थोड़ा बढ़ गया है। प्रोटीन 2 ग्राम है, सोडियम 920 mg है, विटामिन ए 402% है, विटामिन सी 37% है टोटल आपके RDA का। तो ये बहुत ही सुपर है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। यहाँ पर मैंने 1/4 टेबलस्पून देसी घी लिया है, घर का बना घी है, 1 टेबलस्पून फ्लैक्सीड लिया है फॉर प्रोटीन और ओमेगा 3 ऑब्वियसली। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर करी पत्ता ऐड किया है, 1/2 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है फॉर द कलर, और जो स्वीट पोटैटो बॉइल्ड है इसको हम यहाँ पर डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पर सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ब्लैक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट मैंने दोनों ही यूज़ किया है। ब्लैक सॉल्ट आपके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है। 1/4 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला यूज़ किया है। इन सभी चीज़ों को हम 2-3 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। इसे आप अपने ब्रेकफास्ट स्नैक्स या फिर कभी लाइट डिनर लेना है तो इसे आप ले सकते हैं। सो रेडी हो चुका है हमारा अमेजिंग सा स्वीट पोटैटो चाट यानी शकरकंदी चाट। आप इसे भी अपने घर में बनाएं, इंजॉय करें, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। गार्निशिंग मैंने किया है थोड़ा सा पीनट्स और पॉमीग्रेनेट से, वो जो स्वीट और सॉल्टी सा फ्लेवर होता है ना, वो बहुत ही अमेजिंग होता है। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लेमन ऐड किया है, लेमन जूस आप चाहे तो ऐड करें, अगर पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप भी बनाएं, टेस्ट करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।